एकता के बिना जनशक्ति शक्ति नहीं है, जब तक उसे ठीक ढंग से सामंजस्य में ना लाया जाए और एकजुट ना किया जाए, और तब यह आध्यात्मिक शक्ति बन जाती है। राष्ट्रीय एकता दिवस। शुभ प्रभात। भारत में 31 अक्टूबर को सरदार वल्लभ भाई पटेल के जन्मदिन को राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाता है। इस दिन की शुरुआत केंद्र सरकार द्वारा सन 2014 को पहली बार की गई थी। राष्ट्रीय एकता दिवस वल्लभ भाई पटेल के राष्ट्र के प्रति समर्पण को याद रखने के लिए मनाया जाता है। उन्होंने हमेशा हमारे देश को एकजुट करने का प्रयास किया। राष्ट्रीय एकता दिवस पर लोगों को एकता का पाठ सिखाया जाता है। देश का जड़ या आधार तभी मजबूत होता है जब उसकी एकता एवं अखंडता बनी रहती है। देश का विकास, शांति, समृद्धि तभी संभव है जब देश के लोगों के बीच एकता होगी। इस दिन देश के विभिन्न स्थानों पर राष्ट्रीय एकता दिवस से संबंधित कार्यक्रम या आयोजन किया जाता है। इस दिन सरदार पटेल को याद करते हुए लोग उन्हें श्रद्धांजलि देते हैं। राष्ट्रीय एकता दिवस को मनाने से देश के लोगों के अंदर एक नई ताजगी और ताकत आती है, जो उन्हें प्रोत्साहित करती है। धन्यवाद। भिन्न भिन्न भाषा, भिन्न भिन्न देश, भारत हमारा देश। धर्म जाति के अंतर को तोड़ो, हाथ मिलाओ, भारत को जोड़ो। जय हिंद। गुड मॉर्निंग टू ऑल रिस्पेक्टेड टीचर्स एंड माय फ्रेंड्स। I am Austin from 4th B. Today I am going to talk about National Unity Day. National Unity Day is celebrated on 31st October. This day is celebrated as birth anniversary of Sardar Vallabhbhai Patel. Sardar Vallabhbhai Patel was a great leader and freedom fighter. National Unity Day was started by the Government of India on 31st October 2014 in Delhi. National Unity Day is inaugurated by the Prime Minister Mr. Narendra Modi. Sardar Patel created a new India by combining more than 500 princely states in India. He explained the importance of the unity to every citizen of the country. The greatest beauty of India is that people of all religion live together. Let me conclude my words. Thank you all. राष्ट्रीय एकता से है हमारा अस्तित्व, इसे बनाए रखना है हमारा दायित्व। सबको मेरी प्रणाम। मैं आज आप लोगों से राष्ट्रीय एकता दिवस के बारे में 10 पंक्तियां बोलना चाहती हूँ। राष्ट्रीय एकता दिवस 31 अक्टूबर को मनाया जाता है। यह दिवस सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की जयंती के रूप में मनाया जाता है। सरदार वल्लभ भाई पटेल एक महान नेता और स्वतंत्रता सेनानी थे। राष्ट्रीय एकता दिवस की शुरुआत दिल्ली में भारत सरकार द्वारा 31 अक्टूबर 2014 को किया गया था। राष्ट्रीय एकता दिवस का उद्घाटन प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा किया गया था। सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने 500 से अधिक रियासतों के भारत में मिलाकर एक नए भारत का निर्माण किया था। उन्होंने देश के प्रत्येक नागरिकों को एकता के महत्व के बारे में समझाया था। भारत की सबसे बड़ी सुंदरता यह है कि सभी धर्म के लोग एक साथ रहते हैं। स्टैचू ऑफ यूनिटी भारत का प्रथम गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को समर्पित है। देश के प्रति उनकी निष्ठा और योगदान के याद करते हुए राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाता है। शुक्रिया।